नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रीज क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, आज हम पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ेंगे। तो पुश पुल एम्पलीफायर पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एम्पलीफायर क्या होता है। और मैं बताता हूँ एम्पलीफायर क्या होता है, एम्पलीफायर से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपको। एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज यूज टू बूस्ट द सिग्नल स्ट्रेंथ। अब आप कहोगे कि आपने इंग्लिश में बोल दिया है, राइट डेफिनेशन है, आपको समझाता हूँ। एम्पलीफायर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो क्या करेगा, हमारे सिग्नल को बूस्ट बढ़ा के देगा आउटपुट में। ठीक है, हमने इनपुट पे कोई सिग्नल दिया, वो हमें आउटपुट पे उसको बढ़ा के देगा। ठीक है, आउटपुट में समझे, जैसे हमारा इसमें देखेंगे स्पीकर होता है ना, स्पीकर देखा है और हमें क्या देता है, आउटपुट में बढ़ा के देता है। ठीक है, आवाज़ को लाउडनेस को बढ़ा के देता है। ठीक है, तो वही पढ़ेंगे पुश पुल एम्पलीफायर के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इसमें पहले कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं उसके बारे में देखेंगे, कंस्ट्रक्शन देखेंगे पहले पुश पुल एम्पलीफायर की, फिर इसके ऑपरेशन पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे वी इन, वी इन क्या है हमारी इनपुट वोल्टेज, ये क्या हमारी इसका सिंबल है एसी का, अल्टरनेटिंग करंट का। ओके, एसी वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज। ओके, ये क्या हमारा ट्रांसफॉर्मर वन, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर वन है। ठीक है, ये हमारा ट्रांसफॉर्मर टू है। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मर है ये हमारा, ये क्या हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, ये क्या हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, ये क्या हमारा इनपुट ट्रांसफॉर्मर, ये क्या हमारा आउटपुट ट्रांसफॉर्मर, ये क्या हमारी प्राइमरी वाइंडिंग आउटपुट ट्रांसफॉर्मर की, ये हमारी आउटपुट ट्रांसफॉर्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग। ओके, फिर देखेंगे हम ये क्या हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, सबको पता चल रहा है सिंपल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये हमारी क्या है बीसीसी। ठीक है, ये हमारी क्या बैटरी, बैटरी यूज करते हैं हम पुश पुल एम्पलीफायर में। ठीक है, इसको वोल्टेज देने के लिए। ओके, ये हमने कर रखा है ग्राउंड। ठीक है, ये हमारे क्या है टू ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं पुश पुल एम्पलीफायर में। ठीक है, ट्रांजिस्टर T1, T1 से डिनोट किया हमने, ट्रांजिस्टर T2 को T2 से। ठीक है, इसको हम Q1 से भी कर सकते हैं, Q2 से डिनोट कर सकते हैं, लेकिन मैंने T से करा है, आप Q से भी कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो ये दोनों ट्रांजिस्टर जो इसमें यूज हुए हैं, ये आप देख सकते हो ये एरो कहाँ है, आउटसाइड है, बाहर जाता हुआ एरो, इसमें भी बाहर जाता है एमीटर पे। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, दोनों NPN ट्रांजिस्टर्स मैंने यूज किए हैं। ठीक है, NPN ट्रांजिस्टर्स यूज किए हैं वो ठीक है, लेकिन इन दोनों के जो पैरामीटर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, वो मैंने सेम यूज किए हैं और वो सेम यूज ही करनी पड़ेगी मेरे को। अब आप कहोगे पैरामीटर्स क्या है इसके, कॉन्फ़िगरेशन क्या है। अब मैं कह दूं भाई दो लड़के हैं, ठीक है, उनका मेरे को पैरामीटर चाहिए कि उनकी हाइट सेम होनी चाहिए, 6 फुट है, तो उन दोनों की हाइट 6 फुट होनी चाहिए, वो पैरामीटर है। ठीक है, दोनों की 6 फुट ही होनी चाहिए, तभी हमें आउटपुट में जो हमें चाहिए वो मिलेगा। ठीक है, तो वैसे इनके पैरामीटर सेम है, तो हमें आउटपुट में जो एफिशिएंसी हमें चाहिए वो एफिशिएंसी हमें मिलेगी। ओके, तो ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारी सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर हो गया, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, ट्रांजिस्टर्स हो गए टू। ठीक है, ये हमारी बैटरीज होगी। ओके, ये है हमारा लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस में हमारा लोड आता है। ठीक है, जो भी हम आउटपुट में कनेक्ट करते हैं, मैंने आपको एग्जांपल दिया है, हम सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, अगर हम स्पीकर में उसको चलाते हैं तो हमारे क्या लोड है, लोड है जो हमें आउटपुट में बढ़ा के दे रहा है, तो हम उसकी जगह यहाँ पर स्पीकर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं स्पीकर में लगाया RL लोड रेजिस्टेंस लगाया है, आप समझ जाइए। ठीक है, लोड में हम स्पीकर से लगा सकते हैं और कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी हो चुकी है इसकी, मैंने आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता दिया। ठीक है, अब हम इसके जाएंगे ऑपरेशन पे, ये काम कैसे करता है। ठीक है, ये हमें क्या है, दो डिस्टोर्शन, हाई एफिशिएंसी, हाई आउटपुट पावर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कम से कम डिस्टोर्शन होता है इसमें, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी होती है इसकी, ज्यादा से ज्यादा पावर होती है आउटपुट में, कैसे होते हैं वो देखेंगे। अब हमने इनपुट पे वोल्टेज अप्लाई की, पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, ओके, वो कहा ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के थ्रू कहा जाएगी हमारी, ये भूल गया बताना। सबसे पहले हमने क्या कर रखा है, सेंटर टेप कर रखा है, उसको सेंटर टेप का क्या मतलब, हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, समझने की बात है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसको। जब मैं इस पर पॉजिटिव इनपुट अप्लाई कर रहा हूँ तो वो हमारी कहाँ आ जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव होगा हमारा V1 पॉजिटिव। ठीक है, और ये सीधा V2, तो हमारी V1 हमने अप्लाई कर दी पॉजिटिव, कहाँ है ये हमारे क्या टर्मिनल ए, ये हमारा टर्मिनल बी, वोल्टेज अप्लाई करी पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, तो जो हमारा ट्रांजिस्टर है, जो हमारा T1 है, अगर हम पॉजिटिव साइकिल अप्लाई करेंगे
तो हमारा ट्रांजिस्टर T1 ऑन होगा, जो हमारी पॉजिटिव साइकिल है वो हमारी जो हमने अप्लाई किया पॉजिटिव वो यहाँ बेस के थ्रू हमारे एमिटर में जाएगी और यहाँ से हमारा करंट फ्लो होगा और ये हमारा ऑन कंडीशन में काम करेगा, ठीक है। उसी टाइम जब हमने पॉजिटिव साइकिल दी सेंटर टेप के थ्रू, जो हमारे सेकेंड पार्ट है, ठीक है, ये क्या रहेगा हमारा रिवर्स बायस रहेगा, ठीक है। इस कंडीशन में ट्रांजिस्टर T2 है हमारा वो ऑफ कंडीशन में रहेगा, इन द कट ऑफ कंडीशन, ठीक है, ऑफ कंडीशन, बिकॉज इट इज वर्क्स इन रिवर्स बायस कंडीशन, बिकॉज यहाँ पर क्या हमारी नेगेटिव वोल्टेज जाएगी, ओके, यहाँ पर हमारी पॉजिटिव जाएगी, तो एक टाइम पे एक ही ट्रांजिस्टर वर्क करेगा, ये इस पुश पुल एम्पलीफायर का सीधे समझने वाली बात है, ठीक है। अब मैं इसको ये बताता हूँ आपको, ये क्या हमारा आई के ऊपर, आई से क्या करंट, क्या उसे मैंने आपको बताया ट्रांजिस्टर को क्या उसे भी डिनोट कर सकते हैं, और वन मैंने किस लिए लिया, क्योंकि ये करंट किसका है ट्रांजिस्टर वन का, तो ये करंट हमारा कैसे ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। हमेशा पुश पुल एम्पलीफायर में करंट सेंटर टेप पर रखा है हमने, अपोजिट पोलैरिटी में फ्लो करेगा, यहाँ अपोजिट यहाँ अपोजिट, ठीक है। अब हम जाते हैं हमारी नेगेटिव साइकिल पे, यहीं पर हम चेंज कर देंगे इसको, ठीक है, यहाँ पर हमने नेगेटिव अप्लाई कर दिया, यहाँ पर हमने पॉजिटिव अप्लाई कर दिया। इस कंडीशन में हमारा जो ट्रांजिस्टर T1 है वो कट ऑफ स्टेट में रहेगा, ऑफ कंडीशन में रहेगा, और जो हमारा ट्रांजिस्टर T2 है वो बायस कंडीशन में रहेगा, बायस कंडीशन मीन्स वो ऑन कंडीशन में रहेगा, और हमें आउटपुट में सेकेंड हाफ साइकिल मिल जाएगी। हमने पहले इनपुट में दी थी फर्स्ट हाफ साइकिल, अब हमने दी सेकेंड हाफ साइकिल, जो किसके थ्रू एम्पलीफायर हुई हमारे ट्रांजिस्टर T2 के थ्रू, और हमें आउटपुट में सेकेंड हाफ साइकिल भी मिल गई, पॉजिटिव हाफ साइकिल भी मिल गई, नेगेटिव हाफ साइकिल भी मिल गई हमें, ठीक है। इसमें क्या करंट कैसे फ्लो होगा, ये क्या आई क्यू टू, आई बताया मैंने आपको करंट क्यू क्या हमारा ट्रांजिस्टर टू किस लिए, क्यों ट्रांजिस्टर T2 है, इसमें कैसे फ्लो करेगा इधर से इधर, देख रहा आपको मैंने एरो के निशान बना रखे, तो देखो इसमें अपोजिट हो रहा है, इसमें अपोजिट हो रहा है, दोनों में अपोजिट पोलैरिटी है करंट की, कलेक्टर करंट की, ओके। तो हम देखेंगे हमारी आउटपुट ट्रांसफार्मर पे, ये हमारी क्या प्राइमरी वाइंडिंग आउटपुट ट्रांसफार्मर की, ठीक है, ये क्या हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जब मैंने यहाँ पर पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल दी तो इस वाइंडिंग के थ्रू आउटपुट प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हमें आउटपुट में पॉजिटिव हाफ साइकिल मिली, ठीक है, और जब मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल दी इनपुट पे तो हमें इस प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू आउटपुट ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग के थ्रू हमें आउटपुट में नेगेटिव हाफ साइकिल मिली, तो हमारी पूरी एक सिनोसाइडल हमारी क्या कहते हैं साइकिल पूरी हो चुकी है, जो हमें चाहिए जो हमने इनपुट पे दी, तो क्या हाई एफिशिएंसी की मिलेगी, हाई आउटपुट पावर पे, इसने भी एम्पलीफाई किया, इसने भी एम्पलीफाई किया, दोनों ने एम्पलीफाई करके हमें एक साइकिल प्रोवाइड कर दी है जो हमें आउटपुट में चाहिए थी, और यहाँ से हमें वो इंक्रीज होकर मिलेगी। ये हमारा क्या RL लोड रेजिस्टेंस, मैंने आपको पहले बताया लोड रेजिस्टेंस का, हम एक स्पीकर पर लगा सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हमने इनपुट पे कोई साउंड दी है जो कि लो एफिशिएंसी की है, लो फ्रिक्वेंसी की है, वो हमें ये क्या पुश पुल एम्पलीफायर बूस्ट करके देगा, जो एक एम्पलीफायर का काम होता है, लेकिन ये हाईली बूस्ट करेगा, क्यों करेगा, क्योंकि हम सेंटर टेपिंग यूज कर रहे हैं, पहले पॉजिटिव को दे रहा है हमें बूस्ट करके, फिर नेगेटिव को बूस्ट करके दे रहा है, कंप्लीटली बूस्ट नहीं मिल रही हमें आउटपुट साइकिल, तो लोड रेजिस्टेंस में हमें क्या मिलेगी बूस्ट होके हाई एफिशिएंसी की लो डिस्टॉर्शन की हमें सिग्नल मिलेगा, ओके। तो ये हमारा पुश पुल का फंडा है पूरा, समझ में आ गया ना, बिल्कुल ठीक है। अब हम देखेंगे इसके एडवांटेजेस मैंने बताए थे पहले आपको, लो डिस्टॉर्शन होगी, ठीक है, हाई एफिशिएंसी होगी, हाई आउटपुट पावर होगी, ठीक है, लेकिन इसके क्या होंगे डिसएडवांटेजेस भी होंगे। अब डिसएडवांटेजेस इसमें ही जो मैंने बताया उसी से देखिए, डिसएडवांटेज ट्रांजिस्टर मैंने कहा इक्वल पैरामीटर के होने चाहिए, अगर इनमें थोड़ी सी भी चेंजिंग होती है पैरामीटर्स में तो हमें आउटपुट में वो एफिशिएंसी नहीं मिलेगी जो हम आउटपुट में एफिशिएंसी चाहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको कौन सा बेसिक कहीं नहीं पूरा ही बता दिया है समझने के लिए, ठीक है, पुश पुल एम्पलीफायर, ठीक है, समझ में आ गया ना आपको। एलिमेंट्रिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कीजिए कैसी लगी आपको वीडियो, और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जितना जिसको समझ में आएगा उतनी अच्छी बात है, ठीक है। और मैंने जो मैंने बोला है उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, तो उसको जरूर देखें, ठीक है, वहां से आप इसको नोट कर सकते हैं।
ठीक है, मेरे को कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप चाहते हैं कि आगे वीडियो बनाऊं मैं ऐसी ऐसी, तो प्लीज बताएं कमेंट करके। थैंक यू।